आप सभी का आरसीआई के ऑनलाइन क्लासेस में प्यारे विद्यार्थियों, हमारा तीसरे चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय का मतलब बहुत सारे आवेश किसी निकाय में है, उस निकाय में बहुत सारे आवेश है, उन आवेशों के कारण, मान लीजिए कोई निकाय है, इसमें बहुत सारे आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn, यानी कि इस निकाय में ये आवेशों का निकाय है। इस निकाय में कैसा निकाय है? आवेशों का निकाय है। इस आवेशों के निकाय में बहुत सारे आवेश हैं और बहुत सारे आवेशों के कारण हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दें कि इससे पहले हमने बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात किया था और बहु आवेशों के कारण बल का मान भी ज्ञात किया था। सेम वैसा ही टॉपिक है, बहु आवेशों के कारण विद्युत विभव या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। तो देखिए, कुल विभव ज्ञात करना चाहते हैं तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, इन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के योग के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो कुल विभव है इस निकाय का, जो ये निकाय है, इस निकाय का कुल विभव सभी आवेशों के विद्युत विभव के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो माना इस जो निकाय है इसमें कुल विभव जो है वी है, पहले आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो माना V1 है, दूसरे आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो V2 है, तीसरे के कारण V3, इसी तरह से nवे आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो हमने क्या मान लिया कि VN है, n आवेश है माना इसमें। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास आवेशों के निकाय के कारण कुल विभव, और कुल विभव सभी आवेशों के जो उत्पन्न विभव है उनके बीजीय योग के बराबर होता है। चाहो तो इनके मान रख सकते हो कि मान लीजिए वी बराबर जो V1 है इसका मान आ जाएगा KQ1 और जो दूरी है उसको मान लेते हैं R1, दूसरा जो विभव है उसको मान लेते हैं KQ2 अपॉन दूरी जो मान लेते हैं वो R2। इसी तरह से n में आवेश की बात करें तो KQn अपॉन R। ठीक है, ये आ गया जो आपके पास जो मान है वो आ गया आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। यहां से चाहो तो कॉमन ले सकते हैं K कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा Q1 अपॉन R1 Q2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन R। ठीक है, और अगर आगे लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं summation i = n Qi upon Ri। ये आ गया आपके पास विद्युत विभव जो आवेश है आवेशों के निकाय के कारण। ठीक है, एक और टॉपिक इसमें देख लेते हैं, ये कोई खास वो नहीं है, इसमें सभी आवेशों का जो विभव हो उसको योग करना, बीजीय योग करना और उसको हमने सॉल्व किया। एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने अभी आपको एक वर्क का क्वेश्चन करवाया था इससे पहले वाले वीडियो में, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि कोई आवेश है 1.1×10⁻¹⁹ कूलम का कोई आवेश है। ठीक है, वो जो दूरी है वो है उसकी मान लीजिए 9 सेंटीमीटर, तो ये आवेश जो है ये धनात्मक आवेश हवा में कितना विभव उत्पन्न करेगा, हवा में कितना विभव उत्पन्न करेगा। ठीक है, देखो सवाल को समझो कि कोई आवेश है वो 9 सेंटीमीटर दूरी में हवा में कितना विभव उत्पन्न करेगा, तो विभव का जो फॉर्मूला है वो होता है V = KQ/R।
यहाँ पे आवेश कूलाम में है लेकिन दूरी सेंटीमीटर में इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10^-2 मीटर, 9×10^-2 मीटर में चेंज कर दिया। k का मान 9×10^9 गुणा q का मान आपके पास 1.1×10^-9 और दूरी है 9×10^-2। तो ये 10^-9 से प्लस का 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 1.1×10^2। ये नेगेटिव 2 है ऋणात्मक, ये ऊपर जाएगा धनात्मक हो जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगी 1.1×100×10^2 का मतलब 100, 2 0। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से तो आ जाएगा 110 वोल्ट। तो जो इस ये कहने का मतलब ये है कि जो आवेश है वो हवा में कितनी दूरी तक विभव उत्पन्न कर रहा है, कितना विभव उत्पन्न कर रहा है वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते। तो ये जो आवेश है ये हवा में 110 वोल्ट जो है वो विभव उत्पन्न करेगा 9 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। और ये बात क्लियर है विभव में कि जो दूरी है उसके रेस्पेक्ट में अगर दूरी बढ़ेगी तो विभव की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब 9 सेंटीमीटर से जैसे जैसे दूरी नजदीक आएगी वैल्यू डिक्रीज होगी दूरी की तो विभव का मान इंक्रीज होगा, और अगर दूरी इंक्रीज हो रही है तो विभव का मान डिक्रीज होगा। एक और ऐसा ही सवाल मैं आपको बता दूं, कुछ इससे हटके एक सवाल हमने वर्ग का किया था, उसकी जगह अगर त्रिभुज का सवाल हो, एक समबाहु त्रिभुज ले लें और समबाहु त्रिभुज पे कैसा त्रिभुज है, ध्यान दें समबाहु, ठीक है, और इसके तीनों कोणों पर हमने आवेश Q1, Q2 और Q3 लगा दिए और इसकी भुजा मान लीजिए A है, एक जनरल बात कर रहे हैं। तो इसके केंद्र पे विभव आपको ज्ञात करना है तो कितना विभव उत्पन्न होगा, देखो वर्ग में तो आपने ज्ञात कर ली थी ये दूरी, अच्छा तो ये दूरी यहां से Q1 आवेश इतनी दूरी तक, ये दूरी R1 मान लेते, ये दूरी R2 मान लेते और ये दूरी आपकी R3 मान लेते, ठीक है। केंद्र तो ये O है तो यहां कितना विभव उत्पन्न होगा, तो हमें हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहले हमारा टारगेट है कि ये दूरी ज्ञात करें समबाहु त्रिभुज की कोणे से लेकर केंद्र तक की दूरी हम ज्ञात कर लें तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो देखिए। तो देखिए इसको जब सोल्व करना है तो ये अगर दसवीं में आपने सोल्व किया होगा कि जो भी दूरी समबाहु त्रिभुज की होती है उसके केंद्र कोणे से केंद्र की जो दूरी होती है, जैसे अगर मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की दूरी अपन ए ले रखी है तो उसकी जो कोणा है उस कोणे से केंद्र की दूरी होती है a/√3, कितनी होती है a/√3, ठीक है, यहां से तो ये भी आ जाएगी a/√3, ये भी a/√3, ये भी a/√3। कैसे आई अगर इसको देखें तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो अगर बात करें हम इस कोणे से दूरी हमें ज्ञात करनी है, मान लीजिए ये केंद्र है, ये हमने लाइन लास्ट तक ड्रॉ कर दी, तो ये वाली जो आपके पास ट्राइंगल है त्रिभुज है वो कैसी समकोण त्रिभुज है, 90 का कोण है, अरे बोलो नहीं, ये 90 का कोण है और ये दूरी है a/2 हो जाएगी, टोटल दूरी ये है तो ये दूरी है a/2, ये भी a/2, यहां से ये ए पॉइंट, ये ए, ये बी और ये सी, इसको डी ले लो और ये ओ है ही आपका, अरे बोलो नहीं क्या, अच्छा यहां से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज का कोण कितनी डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज का ये कोण भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, आधा कितना हो जाएगा 30 का, ये 30 का, अरे बोलो नहीं क्या, ये 30 का और गिवन वैल्यू है आपके पास, अच्छा 90 के सामने ये करण भुजा, ये तो करण भुजा और थीटा के सामने ये लंब भुजा और बच गई जो आधार, ठीक है। तो हमें जो ज्ञात करनी है वो है करण भुजा, तो करण बटे और दे रखा है आपका आधार, करण बटे आधार किस चीज का सूत्र बन जाए, करण बटे आधार, अरे लाल बटे कक्का से देखो रे, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, आधार बटे करण और लंब बटे करण, और हमें चाहिए करण बटे आधार, करण बटे आधार इसमें आ रहा कोस, कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक है,
या फिर आप चाहो तो मैं इसको इस तरह से सॉल्व कर देता हूँ, टेन तीस ले लें आप, ठीक है, और टेन तीस का मान क्या हो जाएगा, या फिर आधार बटे करण से कर लेते, चलो आधार बटे करण, आधार बटे करण तो आपको पता है कॉस होता है, कॉस तीस, ठीक है, और कॉस तीस का मान, कॉस तीस का मान वही होता है जो साइन साठ का है, और कॉस तीस का मान, साइन साठ का मान रूट तीन बटे दो, और आधार आपको देखते हैं ए बाई रूट ए बाई टू, और करण, ये दो से दो कैंसिल हो गए भाई, तो करण उधर में तो ये इधर आ जाएगा, तो करण बराबर क्या आ जाएगा, करण बराबर आ जाएगा ए बाई रूट थ्री, तो ये दूरी कितनी आ गई ए बाई रूट थ्री, इसीलिए मैंने कहा कि जो भी भुजा होती है उसकी यहां से दूरी जो होगी वो होगी उसकी बाई रूट थ्री। जैसे मान लीजिए ये भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो यहां केंद्र से दूरी कितनी आ जाएगी, 5 बटे रूट थ्री, ठीक है, और कुछ नहीं करना, विभव ज्ञात करना है, कुल विभव v बराबर होगा v1 प्लस v2 प्लस v3, तीनों दूरियां सेम है, सेम है तो वही आएंगे बाई रूट थ्री, तो यहां से इसको सोल्व कर लेंगे इजीली। अरे अब कुछ नहीं करना, v का v1 v2 v3 के मान रख रहे बस, तो कैलकुलेट हो जाएगा, बात तो समझने की है कि ये दूरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये दूरी मैंने कहा कि या तो याद रखो कितनी आएगी ए बाई रूट थ्री, और नहीं अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अरे बोलो नहीं क्या, ठीक है, तो इस तरह से इसको मैंने सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, जो भी वीडियो ऐड से आ रहे हैं उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।